नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ अपूर्वा सिंह। तो हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस माह में पड़ने वाली हर एक तिथि काफी खास होती है। ऐसे ही श्रावण मास की अमावस्या विशेष होती है। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस साल दो दिन अमावस्या तिथि होने के कारण असमंजस की स्थिति भी रही। आज हम जानेंगे सही तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि, दान तर्पण का समय। इन सब पर बात करेंगे आचार्य कमलेश मिश्र जी से, जो कि संस्थापक है वैदिक घनाद। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित जी सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कब है हरियाली अमावस्या। जी, INS के दर्शकों को शुभ है कि राम राम। आप सबका दिन बहुत शुभ और मंगलमय हो और हरियाली अमावस्या की बहुत बधाई। जैसा कि आप सब जानते हैं, और इस बार दो दिन अमावस्या तिथि पड़ने के कारण असमंजस की स्थिति है। तो लेकिन आप ये भी सब जानते हैं कि जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वही तिथि ली जाती है। यद्यपि अमावस्या कल 3:30 बजे के बाद लगी है शाम को, और फिर आज 4 बजे तक रहेगी। तो अमावस्या तिथि का जो उदय है वो आज हुआ है, सूर्य उदय हुआ है अमावस्या तिथि में, तो इसलिए आज ही अमावस्या मनाई जाएगी। तो बिल्कुल आज भी अमावस्या मनाई जाएगी। अब पंडित जी, अब आपसे जान लेते हैं कि हरियाली अमावस्या का महत्व आखिर कितना है और क्या है। कोई भी अमावस्या का बहुत महत्व है, और अमावस्या तिथि जो है पितरों को समर्पित है, यानी जो लोग शरीर छोड़ जाते हैं उन तमाम आत्माओं की तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए अमावस्या होती है। हरियाली अमावस्या विशेष इसलिए है क्योंकि यह श्रावण मास में आती है। श्रावण मास शिव जी का महीना है, और भगवान शिव ही हैं जो आदिशक्ति जगत जननी के साथ स्वाहा और स्वधा के रूप में मनुष्यों का, आत्माओं का कल्याण करते हैं। इसीलिए यह अमावस्या विशेष है। साथ ही सावन की झड़ी में प्रकृति अभिसिंचित होती है, हरी भरी रहती है, और तमाम मानव समाज का ये दायित्व बनता है कि प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए आगे आए और अपने इस धरती को हरा भरा रखें, जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली आए। जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे ये भी जान लेते हैं, क्योंकि हरियाली अमावस्या के दिन तुलसी पूजा भी की जाती है, तो अमावस्या के दिन तुलसी पूजा का क्या महत्व है। तुलसी ही पूजा नहीं, प्रकृति में जितने भी हमारे लिए उपयोगी वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हो, बेल हो, तुलसी हो, आम हो, या जितने सीजनल फल हैं, ऋतु फल हैं, उन सभी के वृक्षों का रोपण किया जाता है। मात्र दुनिया में सनातन ही ऐसी संस्कृति है, सनातन ही ऐसा धर्म है, सनातन ही ऐसी मानव जीवन पद्धति है जो आदि से लेकर अंत तक, अंतिम वर्ग तक के कल्याण की भावना रखती है, और प्रकृति की रक्षा, प्रकृति को हरा भरा रखना मनुष्य का सबसे बड़ा दायित्व है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि तुलसी पूजा आखिर किस प्रकार की जा सकती की जाती है, तुलसी पूजा करने के लिए क्या कुछ विधि विधान है। तुलसी पूजा ही नहीं, प्रकृति में सभी वृक्षों का, अगर हम तुलसी पूजा को सेपरेट करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। इसीलिए प्रकृति में सभी वृक्षों की पूजा, जैसा हमने बताया, सोचिए कितना विशाल है यह संस्कृति सनातन की, जहाँ पेड़ पौधे, फूल, पत्ती, वृक्ष या अन्य जितनी भी चीज़ें हैं, उन तमाम की जवाबदारी कह लीजिए निभाने का आज ये दिन है हरियाली अमावस्या। पूरे मानव जगत को, जैसा कि अलग अलग संप्रदाय में लोग जी रहे हैं, उन सबका भी दायित्व बनता है कि आज के दिन वह
वृक्षारोपण करें और उस वृक्ष को प्रणाम करें, उस वृक्ष को पूजें, बल्कि यहाँ तक प्रयास करें कि हर एक सीजन में फलने वाला फूलने वाला वृक्ष अवश्य लगाएं, ताकि उनके आने वाले कल को सभी प्राकृतिक चीज़ें उपलब्ध हों। नेचर शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होगा, प्रकृति शुद्ध होगी, तो पूरा सनातन वैदिक वाङ्मय खिल उठेगा और यह इसकी पूजा, इसको सम्मान देना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। आज जब हम अपनी प्रकृति को दूषित कर दिए हैं तो उसका खामियाजा हमें अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक नुकसान के रूप में झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो तुलसी पूजा के बारे में तो आपने जैसा बताया, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब आपसे ये जान लेते हैं कि अमावस्या पर क्या कुछ करना शुभ होता है और क्या कुछ करना अशुभ होता है। पितृभ्यः स्वधायिभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। आप देवताओं के लिए पितृतर्पण कर सकते हैं, पितृयज्ञ कर सकते हैं, पितरों के लिए आहुति दे सकते हैं और पितरों से संबंधित यथाशक्ति जो कुछ भी आप करें वो उतना कम है और आप अपने जीवन में तमाम प्रकार के पितृ दोषों से मुक्त हो सकते हैं, आप ये विशेष कर सकते हैं। साथ ही आज का ये दिन है जो उन तमाम सुदूर हमारे जो अन्नदाता हैं, हमारे जो कृषक भाई बंधु हैं, आज उनके यहाँ जो सेवक जो सहयोगी उनके खेत में काम करते हैं, आज के दिन उनको विशेष रूप से सम्मान दे करके उनको भोजन कराया जाता है, उनको पूरे परिवार का भोजन कराया जाता है, उनको यथाशक्ति विशेष रूप से अन्न वस्त्र धन दक्षिणा जो कुछ भी हो उनको दिया जाता है, क्योंकि उनके सहयोग से ही हमारे जो कृषक बंधु हैं वह अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते हैं या संपन्न कराते हैं। तो आज का दिन उनके लिए बहुत विशेष है। जो भी लोग आज के दिन अमावस्या के दिन आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन प्रकृति में प्रकृति की रक्षा के लिए प्रकृति की लज्जा के लिए हरा भरा रखने में अपना योगदान देते हैं, उनके तमाम ग्रह शांत होते हैं। और आप जान लीजिए प्रकृति से प्रेम करने वाले को कभी ग्रह नहीं सताते और आपको रोज़ रोज़ हमारे पास पंडित जी के पास चक्कर नहीं लगाना पड़ता ग्रह पीड़ा के लिए, रोज़ रोज़ आपको डॉक्टर के पास चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जब वातावरण शुद्ध होगा तो हम हर प्रकार से शुद्ध और पवित्र रहेंगे, हमारे जीवन में हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी। उन्हीं का जीवन हरा भरा है जो प्रभु के चरणों में आ गया है। जी जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे ये भी जान लेते हैं कि हरियाली अमावस्या की पूजा विधि क्या है। पूजा विधि में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हरियाली अमावस्या की विधि में यदि आप पितरों से रिलेट करते हैं, सबको पता है तर्पण करना है, उनको मार्जन करना है, उनको उनके निमित्त भोजन कराना है, ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करना है तो उनको कराना है, नहीं तो हमारे यहाँ पर प्रकृति में चींटी को है, कौवा को है, कुत्ते को है, पशु को है, गाय माता को है, इन सभी को उनका ग्रास निकाला जाता है और एक याचक के लिए भी अन्न निकाला जाता है। तो ये क्रिया दान पुण्य करना ये सब पूजा की विशेष विधि में आता है। यानी आज का दिन विशेष है कि आप सेवा प्रकृति की सेवा हो या उन जरूरतमंद अंतिम वर्ग तक के व्यक्ति को सहयोग प्रदान करना हो, ये सबसे बड़ी पूजा है और यही मेरे हिसाब से सबसे बड़ी विधि है। जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों में, आम लोगों की अगर हम बात करें तो काफ़ी लोगों के मन में हमेशा ये डर रहता है कि अमावस्या मतलब
अमावस्या अगर किसी दिन है तो मतलब वो दिन बहुत ही ज़्यादा खराब है। नकारात्मक ऊर्जाएं जो बोलते हैं लोगों के मन में ऐसा है, लगता भी है कि अमावस्या के दिन जो है नकारात्मक ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा उनका प्रभाव रहता है। तो क्या है ये पूरा मामला, ये क्या है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अमावस्या को लेकर ऐसा क्यों कहा जाता है और अमावस्या के दिन किस तरीके की तिथि रहती है, ग्रह नक्षत्रों का क्या खेल रहता है। ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी जगह हैं, बात तिथि की है तो तिथि के बारे में ये भ्रांति और ये अज्ञानता है, तो उनको ज्ञान लेना चाहिए और खुद जब ना ले पाएँ तो किसी अपने क्षेत्र के विद्वान आचार्य पंडित जी के पास जाएं। अमावस्या तिथि हमने शुरू में ही बताया पितरों को, उन देवताओं को समर्पित हैं जो इस संसार से चले गए। साथ में आपको अपने आचरण, अपना नेचर, अपनी आदत, अपना स्वभाव यदि नकारात्मक है तो अमावस्या के दिन उसका आप पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि आपका अच्छा मार्ग है, नैतिक मूल्यों पर आप चल रहे हैं, नैतिक सिद्धांत हैं, सिस्टम और प्रकृति को फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, तो आपके लिए अमावस्या बहुत सुखद होगी। अमावस्या के दिन आपके रोग दोष अला वला जितना है, दृष्टि दोष, ये सब उतर भी जाता है। लेकिन कब? जब आप सत्कर्म करते हैं। जब आप सत्कर्म नहीं करते हैं तो आपके लिए काफ़ी तकलीफ होती है और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अमावस्या तिथि को लेकर के इस तरह की भ्रांति नहीं रखनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक अपने जीवन की जितनी भी काली छाया है, निगेटिव ऑरा है, उन सभी से निजात पाने के लिए सत्कर्म करिए। अपने घर में जो भी आपके पितृ देवता हैं उनके निमित्त संस्कार करिए, पितृयज्ञ करिए। भगवती कहती हैं कि मैं ही स्वाहा और स्वधा आहुति लेती हूँ, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वशत्कार स्वरात्मिका, सुधा त्वम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। तो हमारे यहाँ तो देव ऋषि, मनुष्य ऋषि और पितृ ऋषि जो पितृ तर्पण हैं इनके लिए स्थान है, उनका हम भाग निकालें, उनका अंश निकालें। जब आप किसी भी व्यक्ति को, असहाय को पीड़ा पहुंचाते हैं, जब आप दूसरे का हक दबाते हैं, जब दूसरे का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, जब आप मजबूरी में अपने जीवन के शुभ अवसर तलाशते हैं, तब तो आपको अमावस्या ही नहीं प्रकृति भी आपसे विमुख हो जाती है और इसका नुकसान, इसका खामियाजा, इसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। इसलिए मेरा उन तमाम दर्शकों से निवेदन है कि इस अमावस्या में प्रकृति से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करें और आने वाले कल के लिए उनका मार्ग फिर कल्याणकारी बनाएं। और सवाल था कि क्या हरियाली अमावस्या के दिन, जैसा कि आपने बताया कि पितरों को अर्पित होता है ये, तो क्या इस दिन पूजा अर्चना करने से, विधि विधान जिस जो विधि आपने बताई है उस तरीके से पूजा अर्चना करने से पितृ दोष जो होता है उस पर भी इसका असर देखने को मिलता है? पूरी बता रहे हैं, पूरी प्रकृति में, आप नेचर में, नेचर को ही वेद कहा गया, पूरी प्रकृति में एक भी चीज नहीं छूटी है। जब हम वेद की ऋचाओं में ना पिरोया हुआ हो, यानी जब हम वेद की बात करते हैं, जब हम वैदिक ऋचाओं की बात करते हैं, तो उनमें तमाम प्रकृति का सम्मान है, एक एक व्यक्ति का सम्मान है, एक एक अंजीव का, अंश का, कुछ चीज़ छूटा नहीं है। और आज हमारा जो वातावरण इतना गंदा हो चुका है, इतनी वैमनस्यता आ गई है, इतना दुरुपयोग हो गया है, इतना शोषण हो गया है, इतना मिसयूज हो गया है, तो इसमें आप कुछ भी अच्छा विधि के नाम पर या भ्रमित होकर के अनुपालन करेंगे पूजा विधि, तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा जब तक कि आप खुद नहीं बदलेंगे। और आपको हरियाली अमावस्या में जब हम बात कर रहे हैं तो हमको ये देखना होगा, अमावस्या माने काला पक्ष और हरियाली माने उसमें खुशियों का, खुशहाली। तो हम अपने जीवन के अंधेरे में खुशहाली के प्रवेश को भी हम हरियाली अमावस्या करते हैं। लेकिन कब? जब आपका आचरण, आप मर्यादित रहेंगे, आप सैद्धांतिक रहेंगे और वैदिक सिद्धांत को लेकर के आपको चलना होगा।
जिसमें ऑटोमेटिक आपके कर्मों को ही पूजा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो इन तमाम चीज़ों की गहराई को लेकर के, खाली आप अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य इसी भर को पूजा आप मत मानिए। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, भगवान ने क्यों कहा है, यही कहा है कि आप अच्छे कर्म भी तो करिए, सत्कर्म करिए। नकारात्मक कर्म करने से तो आपको फिर कोई भी शुभ योग नहीं बचा सकता। जी जी बिल्कुल पंडित जी, आपसे एक और चीज जान लेते हैं, क्योंकि हरियाली अमावस्या है, विशेष दिन है, तो किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, खान पान में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए? अगर हो सके तो हम लोग रोज पका करके खाते हैं। प्रयास करें, यदि आप कोई भी चीज बिना पकाए, आग के बिना पकाए खाएं, बहुत अच्छा है। अगर कोई चीज भिंगो कर खाई जाने वाली है उसको खाएं, या नेचुरल फल खाएं, और हो सके तो जब कोई पेय पदार्थ खाएं तो सीजन के हिसाब से पिएं, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। आप अपने जीवन में अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा, अधीनस्थ के लिए ज़्यादा, सहयोगी के लिए ज़्यादा, सेवक के लिए ज़्यादा, आज उनका दिन है, उनके लिए विशेष रूप से आप कुछ उदारता दिखाएं, कुछ त्याग दिखाएं, कुछ मदद के रूप में देखें, तो और साथ में वाणी का एक तरह से संबोधन, आप जब किसी को कुछ भी कहें तो ये ना सोचें कि हम इनको नौकर जैसे ट्रीट कर दें, हम इनको एक हल्का लें। सम्मान सबका अधिकार है, मर्यादा में सबको जीने का अधिकार है, इज्जत सबको प्यारी है, इसीलिए आप अपने वाणी के द्वारा किसी का दिल न दुखाएं। आज इन सब चीज़ों को वाणी से भी आप किसी को हरा भरा कर सकते हैं, अच्छे बोल करके, अच्छा मार्गदर्शन देके, किसी को मतलब हर तरह से वाणी का सदुपयोग करें, इससे आपके जीवन में बहुत खुशहाली और बहुत शांति आएगी। जी बिल्कुल, आम तौर पर हमने अक्सर ये देखा है पंडित जी कि लोग कहते हैं, या घर वाले ही अपने बच्चों को या ऐसा कहते हैं कि अमावस्या के दिन घर से ज़्यादा बाहर ना निकले, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए, या कोई कुछ और मतलब कोई बाहर का लोग या कोई भी आपको कुछ खाने के लिए देता है तो अमावस्या के दिन नहीं खाना चाहिए, आपसे ये चीज़ भी समझना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है, मतलब बहुत यानी बहुत ही ज़्यादा। ऐसा क्यों है कि नहीं करना चाहिए? सब भगवान के बनाए हुए दिन हैं और तिथियां हैं, और इस दिन अगर आपको कोई, ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई अपभ्रंश कार्य कर रहा है और फिर आपको दे रहा है तो आप ना खाएं। अगर भगवान का निवेदित प्रसाद भोग है तो आपको अवश्य खाना चाहिए। आप किसी के यहाँ अतिथि बन के जाएंगे, कोई आपको खिलाएगा तो नहीं खाएंगे? मतलब आप सोचिए, वो व्यक्ति के पास अभी ज्ञान उसके पास आया ही नहीं है, क्योंकि आप तो उस समय उसके लिए देवता के समान है, अतिथि देवो होगा। हमारी भारतीय संस्कृति का यही तो हम कह रहे हैं कि सनातन के विस्तार को समझिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए और इस प्रकार की नकारात्मक भ्रांति से बचना चाहिए। हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि आप वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण करिए, जब से आपने इसको छोड़ा तो आप अनेक प्रकार के दुखों से ओतप्रोत हैं, अदरवाइज आपको तो इतना आनंद आएगा जिसका कोई हद नहीं है। और खुद ही नहीं, जब आज आप हरियाली अमावस्या हम मना रहे हैं, हरियाली अमावस्या का पूजन पाठ कर रहे हैं, हम इसकी विशेषता को जान रहे हैं, तो हमको ये विशेष देखना है कि अंधविश्वास जैसी चीज़ों के लिए इसमें कोई भी जगह नहीं है। और जो लोग कई बार जैसे तंत्र विधा का लोग अनुपालन करते हैं, अमावस्या तिथि हो गई, इस तिथि को लोग ज़्यादातर तंत्र प्रयोग के लिए, पूजन के लिए या कुछ सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वह भी एक विज्ञान है, तंत्र भी एक विज्ञान है, लेकिन दुरुपयोग करने के लिए, किसी का अशुभ करने के लिए, किसी का अनिष्ट करने के इस नियत से जो करता है वह म्लेच्छ हो जाता है, उसका जीवन तितर बितर हो जाता है, वह अति दरिद्र के रूप में विचरण करता है, उसके घर की सुख शांति छिन जाती है। लेकिन वही तंत्र का प्रयोग, वही तंत्र का विधा जगत कल्याण के लिए अगर हम करें, मानव कल्याण के लिए करें, तो वह बहुत शुभ और फलदायी होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कोई भी चीज़ प्रयोग कैसा कर रहे हैं, आपका विनियोग क्या है, आप इन चीज़ों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल पंडित जी, एक सवाल और है कि हरियाली अमावस्या के दिन क्या हमें कुछ दान भी करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो उस दान का कितना महत्व होता है?
देखिए, स्नान दान ध्यान इन सब चीज़ों के लिए ही हमारी तिथियां हैं। देखिए, हमारे तिथि का कैलकुलेशन होता है। लोग बड़ी भ्रांति मानते हैं कि आज दो तिथि है, आज फलाना है, आज ऐसा है, क्योंकि उनको डेट सीधा सीधा तारीख समझ में आती है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपका डेट कैलकुलेशन नहीं करता है, ये तो आप बाह्य है, बहुत सूक्ष्म ये है। लेकिन जो तिथि नक्षत्र मुहूर्त योग करण जो हमारा पंचांग है, आपके जीवन की दिनचर्या ये तय करता है। जब आपके जीवन में अधिक मास आता है तो उसको आपकी ये डेट और तारीख और तिथियां कम नहीं कर सकती, इन विधाओं में वो क्षमता नहीं है। इसीलिए प्रकृति के रूप से, प्रकृति के अकॉर्डिंग ही सिस्टम चलेगा और आपको प्रकृति के अकॉर्डिंग ढलना होगा, अदरवाइज इसका तो दुष्परिणाम होगा। और दान पुण्य तो करने चाहिए, आपने अपने जीवन में कमाया है। दान तो छोड़िए, कई बार लोग यहाँ तक करते हैं कि सोचते हैं कि किसी का हक हम दबा लिए तो हमारा काम कम में चल गया। उनके लिए यह अमावस्या काली छाया बन करके आती है। इसीलिए मैं लोगों को बता दूं कि अपने जीवन में और अपने आने वाले बच्चों के जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो दूसरे के जीवन में हरियाली लाइए, खुशहाली लाइए, आपका जीवन खुशहाल होगा। आज रवि पुष्य योग भी है, आज पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य और रवि पुष्य ये दोनों योग बहुत शुभ होते हैं। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से दान का लाभ मिलेगा अगर आज के दिन आप दान पुण्य करते हैं। 9:15 बजे से लेकर के 12:15 12:30 बजे तक के मध्य में आप कुछ भी दान पुण्य त्याग करेंगे, उदारता दिखाएंगे, प्रकृति में वृक्षारोपण करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। विद्यार्थियों को विद्या से संबंधित चीज़ें दान करिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मतलब किसी को धन दान दे दिए, वही है जिसको जो ज़रूरत हो, आपकी जो व्यवस्था हो वो दान करिए, अन्न दान करिए। जिसके पास ज़्यादा अन्न है और जो गरीब है उसको आप एक मुट्ठी दो मुट्ठी ना दे करके 10-25 किलो दे दीजिए, जिसकी क्षमता है, ये इसका बड़ा लाभ होता है। और इससे आपके अशुभ अनिष्ट दूर होंगे। क्यों दूर होंगे? इसलिए दूर होंगे क्योंकि जिसको आप कुछ देंगे वह बड़ा आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा, बड़ा अंदर से आह्लादित होगा, प्रसन्न होगा कि इन्होंने मेरे लिए इतनी उदारता दिखाया, तो ब्लेसिंग डायरेक्ट आपको यहाँ से आएगी। जी जी बिल्कुल पंडित जी, आपसे एक और चीज़ जान लेते हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन के लिए कोई एक ऐसी विशेष चीज़ जो आप हमें बता सकते हैं जो हर व्यक्ति को हरियाली अमावस्या के दिन करनी ही चाहिए? देखिए, आप भगवान शिव का महीना चल रहा है तो आज के दिन आप बिल्व पत्र भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। हर एक व्यक्ति को चढ़ाना चाहिए, ढूंढना चाहिए। जो लोग अब बताइए सनातन के सिद्धांतों को छोड़ दिए हैं उनके तो भाग्य में अभी है ही नहीं है, और जिनके भाग्य में है वो तो इसका अवसर लें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण, मात्र एक बिल्व पत्र चढ़ाएं, सुंदर कोमल बिल्व पत्र ले लें, उसको बीच से डंठल को तोड़ लें तीन पत्ती का, और जो कटा छटा ना हो वह बिल्व पत्र मात्र एक बार ओम नमः शिवाय, अति सरल और प्रचलित मंत्र है। इस मंत्र को पंचाक्षर कहते हैं। अब इसकी गहराई में जाएंगे तो प्रकृति का पांचों तत्व को ये ओम नमः शिवाय ये मंत्र पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो त्रिदायुधम, तीन प्रकार के विशेष आयुध हैं। वो क्या आयुध हैं? आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। तीनों प्रकार के तमाम महान पीड़ा को दूर करने का काट भी है बिल्व पत्र, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के यदि आप कुछ करेंगे कि मात्र में तो एक बिल्व पत्र चढ़ा दूं मेरा दुख दूर होगा, तो नहीं होगा। उसको आपको भावना पूर्वक शरणागत होना होगा भगवान को। इस प्रकृति का धन्यवाद कीजिए। हर मनुष्य बहुत गंदे तरीके से खिलवाड़ कर रहा है, जो दर्शक सुन रहे हैं, मैं इसलिए बहुत कड़क शब्दों में कहता हूं, और इसीलिए हमारा यह सिद्धांत है और हम इसीलिए जाने जाते हैं। हमने पूरे भारत में और कई देशों में भी ये अभियान चलाया हुआ है प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए वैदिक घनाथ के द्वारा, और इससे आप इसका लाभ ये लें कि प्रकृति की लज्जा, प्रकृति की रक्षा बनी रहे। इससे खिलवाड़ ना करें। आपने गुटखा खाया, कहीं भी थूक दिया, ये गंदी हरकत ना कीजिए। आज आप पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं, आप उसको समुचित जगह में रखिए।
आज आप जब कहीं भी पानी फेंक देते हैं बार बार पॉलीथीन, तो आपकी धरती जो है पानी ऑब्जर्व नहीं करती है। यूकेलिस्टिप टाइप का इस तरह के गंदे पेड़ मत लगाइए। हमारे यहाँ पता नहीं किस देश से इस प्रकार के ऐसे जो राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही हैं, इन वृक्षों को लगा दिए हैं जो ना तो फलते हैं ना फूलते हैं और धरती का पानी बेवजह ही सोखते हैं। जैसा कि आपने बताया, तो प्रकृति का संरक्षण करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, साफ सफाई का ख्याल भी रखना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो हरियाली अमावस्या है आज, हमारा आज का विशेष कार्यक्रम था इसी विषय पर। इस पूरे विषय पर विस्तृत से चर्चा की हमने पंडित जी ने हमारे सारे सवालों का जवाब भी दिया। इसके साथ साथ हरियाली अमावस्या का महत्व, पूजा विधि से लेके सारी चीजें पंडित जी ने पूरे विस्तार से बताई। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ आज के कार्यक्रम के बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।